तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमको गिवन है, इन द गिवन फिगर बिलो फाइंड करना है हमने एंगल क्यू एस आर। तो बेसिकली ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है और एक डायग्राम यहाँ पे हमको दे रखा है। तो क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे देखो, जो ये पी क्यू है ना, ये हमारा एक टेंजेंट है और ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो रेडियस से जो एंगल बनाता है ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो बनाता है हमारा 90 डिग्री। तो ये पूरा एंगल हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। सिमिलरली क्या होगा, ये हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो इसको रेडियस से कनेक्ट करेंगे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे एंगल बनाएगा 90 डिग्री। आई होप आपको इतना पॉइंट में आया होगा। अभी देखो, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, ओ आर पी क्यू, ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। तो इसमें चारों एंगल का सम हमारा क्या होगा, 360 डिग्री। तो उसकी हेल्प से ये वाला हमको एंगल मिल जाएगा जो सेंटर पे एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ, इन अ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है दोस्त, यहाँ पे हमारा ओ आर पी क्यू, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो दो एंगल हमारे 90 के मिल रहे हैं, दिख रहे होंगे आपको उसमें, और एक एंगल था 50 का जो हमको गिवन है। तो यहाँ से ना हमको ये वाला एंगल मिल जाएगा क्यू ओ आर, है ना, क्यू ओ आर, और इसको हम इक्वल रख देंगे 360 के, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के जो इंटरनल एंगल का सम होता है वो हमारा 360 होता है। तो अभी ये 90 90 180, इसमें से सब्ट्रैक्ट होके 180 बना लेगा, और 180 में से 50 जाएगा, ये बचेगा 130। ये जो क्यू ओ आर है ना, ये वाला एंगल आ गया हमारा 130। तो दोस्त, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर हिट कर दें। तो अभी ये वाला एंगल आ गया। अभी देखो, एक बात हमने क्या ध्यान रखनी है, जो भी हमारा सर्कल होता है उसकी सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनता है ना, ये सर्कमफेरेंस पे एंगल हो गया और ये हो गया इसके सेंटर पे एंगल, ये हो गया सेंटर पे और ये हो गया सर्कमफेरेंस पे। तो जो सेंटर पे एंगल बनता है ना, वो सर्कमफेरेंस का होता है ट्वाइस। अगर सर्कमफेरेंस पे बनना है एक्स, तो ये बनेगा 2x। तो यहाँ पे देखो, सेंटर पे हमारा कितना बन रहा है, 130, है ना। तो सर्कमफेरेंस पे कितना बनेगा, हाफ, कितना बनेगा, हाफ, 65, है ना। तो यहाँ पे जो ये वाला एंगल होगा ना क्यू एस आर, ये हमारा कितना आ जाएगा, 65। तो आई होप दोस्त आपको ये चीज़ पकड़ में आ गई होगी, है ना, समझ रहे हो। तो एक चीज़ और हमने ध्यान रखनी है कि जो ये वाला एंगल होता है ना एक्स, ये इन दोनों के सम के इक्वल होता है। अगर ये हमारा वाई है और ये जेड है, तो जो एक्स होगा वो वाई प्लस जेड के सम के इक्वल होगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें यार, अगर आपको ये ध्यान रहती हैं तो काफ़ी आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है यार। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में।